हे हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ICMI का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट जो हर CMA फाउंडेशन इंटर और फाइनल तीनों स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट बताऊं, उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन से प्रेस कर देना, ताकि CMA एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, अनाउंसमेंट, नोटिफिकेशन कुछ भी आप मिस ना कर सके ना। अपडेट स्टार्ट करते इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे, सर जब मैं एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे एरर्स फेस करने को पड़ रहा है, मीन कि उनका एग्जाम फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो स्टूडेंट्स को क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम फॉर्म कहाँ से भरना है, ICMI को ऑफिशियल वेबसाइट पर आना, स्टूडेंट के सेक्शन पर क्लिक करके एग्जामिनेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन दिखेगा, यहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना फाउंडेशन इंटर फाइनल जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, लाइक फाउंडेशन का दे रहे हो तो फाउंडेशन पे क्लिक करो, क्लिक हेयर वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना। आफ्टर दैट ये रूल्स रेगुलेशन जो भी है आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन एक बार जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए, इंस्ट्रक्शन हर CMA स्टूडेंट्स को। लाइक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बात करो तो 17 अक्टूबर लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का विथ लेट फी, और इस तरीके से पूरा है। आफ्टर दैट आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर पुट कर लेंगे, क्लिक हेयर के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा था, सर नॉट वैलिड फॉर दिस टर्म, इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर करके, तो अब क्या करें वो स्टूडेंट्स, क्या करें सर इस तरीके का प्रॉब्लम तो आ गया। नॉट ओनली CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, बट ऑल्सो CMA में इंटर हो, CMA फाइनल हो, कोई भी स्टूडेंट हो आप, और आप जब इस तरीके के प्रोसेस पे जाके एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अगर आपका कुछ भी इरर्स आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप आएंगे स्क्रॉल डाउन करके नीचे, तो यहाँ पे एक मेल एड्रेस लिखा है exam.helpdesk@icmi.in, ये मेल आईडी, जस्ट इस मेल आईडी पे आपके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कुछ भी, अगर आप छोटे से छोटा प्रॉब्लम हो आपके एग्जाम फॉर्म रिगार्डिंग, एग्जाम रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आप मेल कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को क्वेरी कर सकते हो और उससे रिगार्डिंग सॉल्यूशन जो होगा ICMI आपको देगा। तो होपफुली आपको अपडेट समझा मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपका एरर आ रहा है तो यहाँ पे मेल कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा उससे रिगार्डिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगेन बोलूंगा अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन से प्रेस कर देना, ताकि CMA एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, अनाउंसमेंट या नोट्स आप मिस ना कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।